out again. Good morning everyone, how are you all and welcome back to another vlog. So this is your boy Shahan Sani. आज स्पॉट पर हम लोग आए हैं क्योटो और इस वक्त अभी क्योटो स्टेशन के अंदर हूँ मैं और यहाँ से आप बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो जो भी यहाँ से आपको किसी देर होता है वो आप लोगों को शो कराऊँगा जहाँ जहाँ मैं विजिट करूँगा। तो मौसम आज का काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा क्लाउडी है बट लेकिन सनी है इन अ सेंस के मतलब नीचे काफ़ी जो है ना आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो फिलहाल अभी टॉयलेट आए थे, फिर टॉयलेट के बाद यहाँ से आप जाएंगे तो मिलता हूँ आपसे बाहर। अच्छा, ये जो मेरे आपके सामने जो देख रहे हो ना स्टेशन, ये है हंक्यू स्टेशन क्योटो खवारामाची स्टेशन। ठीक है, अगर आप बिल्कुल क्योटो के आखिर में आना चाहते हो तो ये वाला स्टेशन आपको पड़ेगा और यहाँ से फिर आपको सारे कनेक्शन जहाँ भी आपने जाने वो आप अपनी जगह चूज़ कर सकते हो वहाँ पर जाए। अच्छा, जो लोग क्योटो नहीं आए अभी तक या कोबे ओसाका में रहते हैं या जापान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो इस बात को ज़रूर कंसीडर करेंगे। मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ फिर आप लोग उसके बाद मुझे बताना कि क्योटो का जो एक टच लुक है ना वो थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, आप लोगों को देखने के बाद फील होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप लोगों को जगह दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे पानी बह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर दरख्त है वो बहुत प्यारा कुछ सीनरी और ग्रीनरी व्यू आप चेक करो। काफ़ी जो है ना हिरोशिमा वाला टच देता है ये वाली साइड जो है ना, अगर आप चेक करो ब्रिज और ये सारी चीज़ें, बिकॉज इट्स नॉट लाइक द कोबे ओसाका, इट्स टोटली डिफरेंट, पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है, इट फील्स लाइक दैट यू आर इन क्योटो राइट नाउ। जो जापान में रहते हैं ऑब्वियसली वो मेरी बात से जो है 100% एग्री करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्पल्स और श्राइन्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाएंगी तो उधर से आपको फील हो जाता है कि यार आप क्योटो के अंदर हो। ये जो है जगह का नाम है आइए और आप लोग को ऊपर से इसका व्यू दिखाता हूँ। बहुत पहले जब मैं नया नया जापान आया था ना स्टूडेंट लाइफ में, तब मैंने आके यहाँ पे कहीं पे इसके बीच में खड़े होके वहाँ पे पत्थरों पे तस्वीर खिंचवाई थी। तो ये बहता हुआ पानी है तो ये वो दूर तक जा रहा है। तो जापान की एक जो सबसे खासियत है ना वो ये, एक तरफ जापान के पहाड़ है दूसरी तरफ पानी है। कहने का मकसद ये, उस तरफ आप देखोगे वो पहाड़ आएगा, उस तरफ आप देखो बिल्कुल पानी पानी। तो इस तरह जो है जापान पूरा जो है बेस्ड हुआ है। तो ये जी वो श्राइन टेंपल या फिर कोई रेस्टोरेंट है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट ये देखो आप थोड़ा सा ऐसा कि रेड कलर और फिर जो है ना इसके गोल्ड कलर साइडों पे साइड पे जैसे गोल्ड प्लेटेड हो, ठीक है, ऊपर भी। और क्योटो का बस यही है मैं खासियत जो है टैक्सी का कलर चेंज है, कोबे ओसाका की जो है ना पीली और वाइट होती है, यहाँ की रेड और वाइट है। तो भाई अभी जिस स्पॉट पे हम लोग जो पहुंचे हैं ना तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस स्पॉट का नाम है ओसाका जिंजा श्राइन, ठीक है, और अब ये यहाँ से हम जाएंगे और वो बिल्कुल सामने जाएंगे। भाई ये क्योटो में जो है ना बड़ा खूबसूरत स्पॉट है, वो रिकमेंड किया था हमने, लगा कि यार ऑब्वियसली बहुत पहले आए थे अपने दोस्तों के साथ तो मुझे अभी तक कुछ याद नहीं है, बट लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड और फिर देखते हैं आज का व्यू कैसा। लोग श्राइन ना हो मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है क्यों तो आने का। तो ये है जी इनके बुद्धिस्ट, तो ये अंदर गुस्से पे जो है ये प्रणाम शरणाम करते हैं। दूसरा जो है बुद्धिस्ट की वो क्या कहते हैं मूर्ति, और फिर ये जो है ये गोल्ड में जो है कुछ लगा हुआ है, आई डोंट नो बट। और अंदर घुसने के साथ ही आपको यहाँ पे ओकोनोमियाकी ताकोयाकी मिल जाती है, ठीक है, जो कि ऑक्टोपस फिश के अंदर जो ना एक मीट बॉल बनता है वो आपको देते हैं खाने के लिए। बाकी ये होता है भाई श्राइन अंदर से, ठीक है, और हम इस वक्त एंटर हो चुके हैं, दिस इज द बैक साइड ऑफ द श्राइन, ठीक है, इसकी एंट्रेंस के गेट की। और आज क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइडे सैटरडे संडे इट्स लाइक हॉलीडेज ओवर हियर इन जापान, टोटली काइंड ऑफ लाइक, तो फिर ये होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं या रश ज़्यादा होता है, ठीक है, आपको फॉरनर्स बहुत सारे दिखेंगे, जैपनीज बहुत सारे दिखेंगे, बट हम लोग आए आज के दिन दैट इज़ वेडनेसडे, तो इस वजह से ये जो है वर्किंग डे, इस वजह से लोग काफ़ी कम हैं। तो ये जी जापान के आई गेस पुराने कॉइन्स हैं, ठीक है, जो चलते होते थे पहले, ठीक है, या फिर ये कोई शो केस के लिए होंगे आई गेस, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बिटकॉइन भी रखा हुआ क्या बात है। और ये जो है मूर्तियाँ शुर्तियाँ बनी हुई हैं ड्रैगन्स, ये थोड़ा सा जो है ना चाइनीज ट्रेडिशन से जो है ना सिंप्लीफाइड है। तो हाँ हाँ कोनिचिवा माई शो यात्रा उसका कोड़ा
毎日雨が結構外国人とか結構来るんすか？うん、ちょっと今来ましたね。うん、来てる。最近めっちゃ来てる。まだストライクに。あはは。お国は？お国はパキスタンです。パキスタン。よろしくお願いします。तो अंकल से मैंने बोला, मैंने कहा यार आप लोग कितने दिन लगाते हो? तो कह रहे हैं मैं डेली लगाता हूँ. और मैंने कहा कि फॉरनर्स वगैरह का क्या हिसाब किताब है? तो कह रहे हैं फॉरनर्स आते हैं हमारे पास काफ़ी. और मैंने कहा कोविड के बाद भी? तो कह रहा है हाँ कोविड के बाद भी. ये क्या है भाई, ये तो कुछ अलग ही चीज़ लग रही है. बहरहाल ये है आइस चोको बनाना. बट छोड़ो, हाय हाय हाय, ये हुआ ना गोला घंटा यार, क्या जबरदस्त. अच्छा इसके अंदर फ्लेवर्स आप चेक करो, इट्स लाइक ग्रीन टी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, कोला, पीच, रिंगो, मैंगो, सॉरी एप्पल, मैंगो, ग्रेप, मेलन, लेमन, ब्लू हवाई, स्ट्रॉबेरी, क्लियर शेप. इट्स टोटली लाइक आपका जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग नहीं खाते क्या कहते हैं गोला घंटा टाइप का, बिल्कुल वही है आइस में बना हुआ. इन स्पॉट पर अंदर घुसते हैं. यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, ठीक है, और मन्नतें भी बहुत मनी जाती हैं. तो ये जो है मेन इनका स्पॉट है. यहाँ से एंटर होने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ. एक एंट्रेंस का लेफ्ट साइड ये, ठीक है, और राइट साइड जो है ये लगा हुआ है. यहाँ पे आके जो ये लोग मन्नतें मांगते हैं. और ड्यू टू कोविड इन्होंने जो है अपने जो वह पुतले उनको भी मास्क पहना दिया कि अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनो. ये बंदा मेरे सामने, ये पहले कहीं ना कहीं सिक्के डालेगा, फिर झुकेगा और फिर जाके जो है टन टन करेगा, कुछ इस तरह जो है ना इसने करना है जैसे बुद्धिस्ट का जो रिलीजन का होता है. अभी इसने वहाँ पे हाथ लगाया है और वो डाले पैसे. यहाँ पे जब कोई वो जापान की कोई ऐसे कोई इवेंट वगैरह होता है ना इनका रिलीजियस, तो यहाँ पे ऊपर वाले एरिया पे यहाँ पे ड्रम वगैरह बजाए जाते होंगे या कुछ ना कुछ जो है ना इनका इवेंट यहाँ पे ऊपर किया जाता है, उसके लिए जो है ये प्लेस है. और ये देख लो आप पूरा ये जो लगा हुआ है, अपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा काफ़ी, ठीक है, उन मूवीज़ के अंदर आपने ये देखा होगा इस तरह का ये वी टाइप का बना होता है, ठीक है, दो ऊपर से निकले हुए दो टांगे नीचे. तो ये बेसिकली जो ना एक गेट होता है, गेट पे जो कि जापान को एंट्री भी करता है और एग्जिट भी करता है. घंटा कितना ज़बरदस्त यार इनका बजाने का, रस्सी कितनी लंबी मोटी लगी हुई नीचे, दैट्स नाइस. और जब कोई इवेंट वगैरह होता है ना इनका, जैसे कोई त्यौहार वगैरह जो होता है, जैसे हमारे यहाँ शब रात होती है, कोई इस तरह का इस्लामिक इवेंट होता है, तो फिर ये लोग खोल देते हैं, आप अंदर भी जा सकते हो. वहाँ पे फिर आप जाके अंदर आप उसके गोल्ड वोल्ड देख सकते हो, वहाँ पे पैसे डालने के लिए भी होता है. अच्छा ये ऑलमोस्ट जो है ना अभी बिल्कुल ही सुनसान पड़ा हुआ है, मतलब अब जो है ना पीछे से हमारे लोग आने शुरू होंगे. तो एक आपको जो है ना बुद्धा दिखाना था जो कि खड़ा हुआ, बहुत पहले मैंने इधर से आके पिक्चर भी ली थी. हम जा रहे हैं अभी 16 मिनट की वॉक पे दो को चलो हेरिटेज नहीं कोड़े ये गो दे क्यों मेरे टेंपल छबे कोई कोई म्यूजियम टेंपल है हेरिटेज उधर जा रहे हैं. तो वहाँ जाके पहुँचते हैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है. बाकी अभी जो क्योटो की गलियों से गुजर रहे हैं, मतलब यार ये अलग ही जो है ना लेवल है इन गलियों का. गाड़ी भी आ रही है. अच्छा हाँ एरो बना हुआ ना. सही है मैं समझा यहाँ से गाड़ी नहीं गुजरती होगी, पैदल जाने का रास्ता होगा. तो टैक्सी का फिर कलर चेंज है यहाँ पे, सिल्वर कलर. अजीब है यार क्योटो का, भाई समझ भी नहीं आता. ओए होए वो सबसे ऊपर ईगल खड़ा है, छोटा सा तो नहीं है, हाथ खोल के बड़ा सा खड़ा है, नीचे से छोटा लग रहा है. आप देख रहे हो कितना क्योटो सुनसान, मतलब मैं शायद ऐसा व्लॉगर हूँगा जो है ना इस वक्त ब्लॉगिंग कर रहा है और कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब ना आगे ना पीछे कोई. क्योटो में कभी ऐसा नहीं होता कि क्योटो में लोग ना, मतलब लाइक ये फर्स्ट टाइम है. और अच्छा है यार उर्दू में बात करने का मौका मिला, खुल के बात करने का मौका मिला, मैं आराम से बात कर सकता हूँ. तो इनमें से आप कौन हो पहचान लो भाई, कौन से वाले हो. तो ये दिख के ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि बिल्कुल वहाँ कोने से कोई समुराई निकल के आएगा अपनी सॉर्ड लेके और आके यहाँ पे पड्डा करेगा, किसी का गला काट देगा. ये स्ट्रीट ऐसी लग रही है, वो छोटा सा घर जो बना है